हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक और नए वीडियो में। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच 3 दिनों में ही समाप्त हो गया और इंडिया ने वेस्ट इंडीज को धूल चटा दी है। हर तरफ बात हो रही है यशस्वी जायसवाल के कमाल की ड्रीम डेब्यू की, ईशान किशन की डेब्यू की और रोहित शर्मा की हीरोइक पारी की। पर इन बातों में एक बात ऐसी है जो नजरअंदाज हो चुकी है, रविचंद्रन अश्विन की कमाल की गेंदबाजी की। ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम यशस्वी जायसवाल के कंट्रीब्यूशन को या किसी भी प्लेयर के कंट्रीब्यूशन को कम कह रहे हैं। हमने तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा पे एक अलग सी वीडियो भी बनाई है, अगर उसे देखना है तो हमने ऊपर लिंक दे दी है, उसे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। हम रविचंद्रन अश्विन की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं ये आपको वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा। चलिए फिलहाल आपको उनके टेस्ट करियर से थोड़ा रूबरू कराते हैं। उन्होंने 93 मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए, जिनमें उन्होंने विकेट लिए हैं 486, इकोनॉमी है 2.77 की और एवरेज है 23.6 की। ऐसे रिकॉर्ड एक लेजेंड के ही हो सकते हैं और आर अश्विन इंडिया के लिए एक लिविंग लेजेंड ही है। दिल सच में दुखता है जब हम इस बारे में सोचते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल नहीं खेला था। खैर, उसकी जो भी वजह रही हो, टीम की बेनिफिट की या कुछ भी और, सच में अगर आर अश्विन होते तो क्या पता नतीजा कुछ और होता। रविचंद्रन अश्विन ने पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज के बैटिंग लाइनअप को बिल्कुल भी सेटल होने का मौका नहीं दिया। ऐसी सटीक गेंदबाजी की कि कोई भी बल्लेबाज उनका सामना जैसे कर ही नहीं पाया। पिच में स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद थी और रविचंद्रन अश्विन ने इसका पूरा फायदा उठाया। 24.3 ओवर में उन्होंने लिए 5 विकेट, जिनमें उनकी इकोनॉमी रही 2.45 की और रन कंसीड किए उन्होंने 60। इस अद्भुत प्रदर्शन की मदद से भारतीय टीम इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर पाई और वेस्ट इंडीज चले गई बैकफुट पे। पर रविचंद्रन अश्विन यहाँ रुकने वाले नहीं थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला सेकंड इनिंग में, उन्होंने अपना कमाल का प्रदर्शन जारी रखा और वेस्ट इंडीज चले गई बिल्कुल ही मैच से बाहर। वेस्ट इंडीज के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था और उससे बड़ी मुश्किल थी रविचंद्रन अश्विन का सामना करना। 21.3 ओवर में उन्होंने लिए 7 विकेट, इकोनॉमी रही उनकी 3.30 की और उन्होंने रन कंसीड किए 71। रवि अश्विन ने दोनों ही इनिंग में अपना जादू बिखेरा और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को कोई भी चांस नहीं दिया रन बनाने का। जैसे वेस्टइंडीज इस मैच में वापसी कर ही नहीं पाई। ये प्रदर्शन प्रमाण है अश्विन की प्रतिभा का और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अश्विन की इस परफॉर्मेंस के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहला मैच तो इंडिया ने कंफर्टेबली जीत लिया है, पर आगे के मैचों में क्या होता है ये तो देखने लायक बात है। और आगे के मैचों में अश्विन का प्रदर्शन कैसे रहता है ये भी बहुत ही चर्चित विषय है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कर दीजिए लाइक और ऐसे ही न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमें कर दीजिए सब्सक्राइब। हम आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में। आप देखते रहिए क्रिकेट मसाला।